वीडियो में हम बात करेंगे उन फेस्टिवल्स के बारे में जिन्हें सिख धर्म के लोग मनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु पर्व के बारे में। सारे विश्व के सिख समुदाय के लोग इस उत्सव को मनाते हैं। हालांकि सिखों के सभी 10 गुरुओं के जन्म दिवस के अवसर पर गुरु पर्व मनाया जाता है, लेकिन गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण गुरु पर्व गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की याद में मनाए जाते हैं। इन्होंने मुगलों के हाथों अपना जीवन गंवा दिया था। सिख समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरु नानक जयंती मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष सेवा का आयोजन होता है, लोगों को लंगर वितरण किया जाता है, अखंड पाठ का आयोजन होता है, लोग प्रभात फेरियां निकालते हैं, सामूहिक भजन गायन किया जाता है। उत्सव का समापन गुरु ग्रंथ साहिब की फूलों से सुसज्जित झांकी यात्रा से होता है, जिसका नेतृत्व 5 सशस्त्र रक्षक करते हैं और ये 5 व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके हाथ में सिख ध्वज यानी कि निशान साहिब होता है। अब बात करते हैं प्रकाश उत्सव के बारे में। इसे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब है 10वां दिव्य प्रकाश या दिव्य ज्ञान का जन्म उत्सव भी है। इसे हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं माघी के बारे। इसे हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे मुक्तसर में सिख शहीदों यानी कि 40 मुक्ते की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया था। सिख समुदाय के लोग सिख मुगल युद्ध स्थल की ओर जुलूस के रूप में जाते हैं और फिर वहां पर मुक्तसर के पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। अब बात करते हैं लोहड़ी के बारे में। लोहड़ी हर वर्ष पोष के महीने में 13 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें लोग अग्नि जलाकर इसके आसपास इकट्ठे होते हैं, खीर मकई के भुने हुए दाने और मिठाइयां अग्नि को अर्पित करते हैं और लोकप्रिय गीत गाते हुए एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। लोहड़ी का त्योहार जीवन के उत्साह का उत्सव मनाने का पर्व है और यह अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं बैसाखी के बारे में। यह हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक धार्मिक उत्सव है। इसे सिख नववर्ष और खालसा पंथ के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह सिखों का वसंत की फसल कटाई का उत्सव भी है। अब बात कर लेते हैं होला मोहल्ला के बारे में। यह सिखों का एक बड़ा उत्सव है। यह आनंदपुर साहिब में आयोजित होता है और यह प्राय चैत्र मास के दूसरे दिन होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन छदम युद्ध और सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया था। इसे घुड़सवारी और तलवारबाजी आदि के कंपटीशन के लिए सिख ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं सोडल मेला की। यह पंजाब के मुख्य मेलों में से एक है। इसे हर साल भाद्रपद यानी कि सितंबर महीने में जलंधर में मनाया जाता है। इसे एक महान आत्मा बाबा सोडल को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। सिख धर्म के लोग इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं। मेला बाबा की समाधि के पास लगता है, जहां पर इनकी मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है। लोग सोडल के सरोवर में डुबकी लगाते हैं और समाधि पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आप सिख धर्म के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।